खाक सर का नाम अब्दुल उदूद है, खाक सर का नाम अब्दुल उदूद है, उड़ीसा की सोरो जमात से ताल्लुक रखता हूँ। क्या हुआ? उड़ीसा का सोरो जमात से ताल्लुक रखता हूँ। खाक सर का सवाल ये है कि हमारे वहाँ गैरवंदी भाइयों ने जब उनकी कोई मुसीबत पड़ता है या कोई काम यदि उनका पड़ता है कि उनके बच्चे को इम्तिहान देते हैं, ठीक है, तालीम इम्तिहान में पास करने के लिए, तो शाहजहान बाबा उनके पीर ये सब हैं। क्या होता है? पीर के पास जाते हैं जी। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जब पास कर जाए तो हम पीर के आस्थान पे चादर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो किसी के कोई बीमार पड़ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे कहते हैं, वो जब चादर चढ़ाते हैं कमरों पर जी, ऐसे एक्सीडेंट हो गया बाबा से मन्नत मानते हैं कि जब ठीक हो जाए तो हम चादर चढ़ाएंगे बाबा की कब्र, कब्रों के ऊपर जी, ग्रेव पर जी, ठीक है। फिर तो आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है किसी ऐसे यदि ठीक हो गया, जब बच्चा पास कर गया या उनका आदमी, ये तरीक जारे वाजे बात है कि बिल्कुल गलत है, मुश्रिकाना बात है। अच्छा खुदा करता है और वो पीर के उखाम का कपड़े पहनाते रहते हैं और फिर ये कब्र को सर्दी लगती है, ये उसके ऊपर कपड़े पहना रहे हैं। हम जो भी लगा बात है, पाकिस्तान के एक शायर ने पीछे एक शेर कहा था, उसने कहा था कि वो जो कब्रों पर चादर चढ़ाने वाले हैं उनको कोई ये तो कहे कि गरीब आदमी जो सर्दी में सिख ठिठर रहे हैं उनका ज़्यादा हक है कि उनको चादर पहनाई जाए, और इस तरह इसके कि मज़ारों पर चादर चढ़ाई जाए, समझे? इसलिए इस लिहाज से भी लगभ है और शिर्क भी है, ऐसी बातों को रद्द करना चाहिए, अच्छी बातें नहीं है, समझ गए जी। उन्होंने सवाल किया कि तुम ऐसे खुदा के पास नहीं जाके गिरे वजह नहीं कर, खुदा से जब नहीं मांग, खुदा से मांगते नहीं क्यों, पीर से क्यों मांगते हैं? वो कहते हैं कि पहले जब कहीं ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, बड़े ऑफिसर के पास, तो पहले पियोन से इजाज़त लेना पड़ता है, फिर उसके बाद ऑफिसर के जाना पड़ता है। इसीलिए वो बोले कि पहले पीर के पास हम जब दरख्वास्त करेंगे तो फिर हमारे लिए दुआ करेंगे, तो फिर पीर के बाद खुदा सुनेंगे, हमारा मन्नत पूरा होगा। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, मिसाल भी झूठी बनाई हुई है उन्होंने। अगर एक डिप्टी कमिश्नर ने फैसला करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि चपरासी को कुछ थोड़े से पैसे चढ़ा कर उसके पास पहुँचे, लेकिन चपरासी सिफारिश नहीं करेगा, फैसला वही करेगा। इसलिए फैसला तो खुदा ने करना है, आप खुद, और जब खुदा आपको चपरासियों से आज़ाद कर चुका हो और कह दे इन्नी करीब उजीब दावत दादान, किसी का और वास्ता नहीं है, मैं तुम्हारे करीब हूँ, जब तू पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसका जवाब देता हूँ, तो कोई पागल है जो चपरासियों के पीछे भागेगा? अगर खुदा का दरबार उस किस्म का जाहिराना दरबार होता जैसे दुनिया में होता है तो फिर कुछ ना कुछ बात होती है। अल्लाह तो कहता है मुझे किसी वास्ते की जरूरत नहीं मुझ तक पहुंचने के लिए, तुम दुआ करो मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, अब बताइए पीर की क्या जरूरत है? तो ऐसा जब बात करते हैं तो कहते हैं मोटा मोटी बात ऐसा सुन लो कि जब बड़े ऑफिसर के पास जाना पड़ता है तो पहले पियोन को पकड़ के जाना, आपसे बता तो दिया है, अफसर के रस्ते में तो पहले बैठे होते हैं, खुदा के रस्ते में तो नहीं बैठे हुए, समझे कि नहीं? ठीक। अल्लाह तो कहता है मेरा ताल्लुक हर एक से बराह रास्त है। बैठ जाए आप। अस्सलाम वालेकुम।